नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम नारियल की झटपट बर्फी बनाएंगे। ये बर्फी बड़ी आसानी से बहुत जल्दी बन जाएगी और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो आइए नारियल की झटपट बर्फी बनाना शुरू करते हैं। तो झटपट नारियल की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में कंडेंस मिल्क डालेंगे। ये हमने एक कैन कंडेंस मिल्क के लिए है, 400 ग्राम कंडेंस मिल्क है, हम पैन में डाल देते हैं। इसे स्वीट कंडेंस मिल्क है, गैस ऑन कर देते हैं। गैस हम मीडियम रखेंगे। अब हम डालेंगे नारियल पाउडर। नारियल पाउडर हमने 300 ग्राम लिया है, इसे नारियल बुरादा भी कहते हैं, गोलाकस कहते हैं, बाजार में आसानी से मिल जाता है, तो हम इसे डाल देते हैं। और ये हमने 15-20 काजू छोटे छोटे काट लिए हैं, ये भी हम इसी में डाल देंगे। और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिलने तक मिक्स करेंगे। गैस हमें मीडियम और धीमी रखनी है। ये हमने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। जस्ट 2 मिनट लगे हैं इसकी मिक्सिंग में। गैस हमने बहुत धीमी रखी है और अब हम गैस को बंद कर देते हैं और बर्फी को प्लेट में जमा देते हैं। जिस प्लेट में हम बर्फी जमाएंगे उसमें थोड़ा सा घी डालकर उसे चिकना करेंगे और मिश्रण को प्लेट में डालेंगे। और अब इसे हम थोड़ा दबा करके प्लेन कर देते हैं। दबाने के लिए हम ये रबर का स्पैतुला यूज़ करेंगे। इससे बड़ी आसानी से इसको दबाया जा सकता है और चिपकती भी नहीं है कोई भी चीज़ इससे। तो ये हम इसे प्लेन करते हुए दबा देते हैं। हमने 10-12 पिस्ते बारीक पतले पतले काट लिए हैं, तो ये हम बर्फी के ऊपर डाल देते हैं और थोड़ा सा इनके ऊपर से हम दबा देंगे ताकि ये बर्फी में चिपक जाएं। ये हमारी बर्फी तैयार हो गई। इसको थोड़ी देर के लिए जमने के लिए रख देते हैं एसी के सामने। 10-15 मिनट में ये जमकर तैयार हो जाएगी, इसके बाद हम इसे काटेंगे। हमारी नारियल बर्फी जमकर तैयार हो गई है, हम इसे पीसेस में काट लेते हैं। तो पीसेस अपनी पसंद के अनुसार छोटे बड़े जैसे आप चाहें उस तरीके के काट सकते हैं। नारियल की बर्फी झटपट बन करके तैयार है। बहुत ही अच्छी बर्फी बनी है। तो जब भी आपके पास समय कम हो और घर की बनी मिठाई खानी है तब आप ये बर्फी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।